नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टूजर्स पे। तो इंडिफरेंस कर्व के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम लोग, जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल एज आपके CUET बी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिफरेंस कर्व जो आपका मेज़र करता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेज़र करता है। हमेशा यहाँ पर टू कमोडिटीज़ होती हैं और जो दोनों कमोडिटीज़ होती हैं इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी हम एक का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का कंजप्शन डिक्रीज़ करते हैं। इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर आपका इंडिफरेंस का जो स्लोप है वो किससे पता करते हैं हम लोग, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पता करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। तो जब डेल्टा सेक्रीफाइस और डेल्टा गेन की जब वैल्यू आपकी डिमिनिशिंग होती है यानी डिक्रीज करती है, तो हमारा जो कर्व होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। अगर इसकी वैल्यू जो है आपका कॉन्स्टेंट होती है तो जो कर्व है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर आपकी इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करने लगती है तो कनकेव, इसकी वैल्यू जब इंक्रीज़ करती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो कर्व है वो कनकेव टू द ओरिजिन बनता है। और याद रखिएगा कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपका इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होते जाएगा आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आपकी हाई होती जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को जब मिला देते हैं न्यूमरस नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व को, तो आपका इंडिफरेंस मैप बन जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। और ऐसे ही वीडियो से मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।